हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं नरेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जो कि है अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी। तो हम अभी फिलहाल के लिए इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, हमने कम से कम 8 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा ये होने वाला 9th पार्ट। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेशन को और आगे पढ़ाते हैं। हमने आपको पिछली क्लासेस में इंटीग्रेशन डायरेक्ट मेथड आपको बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बता चुका हूं और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तीन चीजों के साथ मैंने इंटीग्रेशन आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे और कुछ स्पेशल इंटीग्रेशन देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। ये हमारी फैकल्टीज हैं इस चैनल की, और आगे आ जाए तो मैं आपको बता दूं, रोज रात को 9 बजे मेरा यहां पर इंटीग्रेशन चैप्टर का वीडियो आता है। और ये आप देख सकते हैं मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल, ये मेरा अनअकैडमी प्लस का प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उस लिंक में क्लिक करिए, आप सीधे यहाँ पहुंच जाएंगे और आप जाके मेरे को यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और आपको मेरे जो कोर्सेज हो चुके हैं और जो कोर्स होने वाले, जो कोर्स चल रहे हैं, जो चीज कंप्लीट हो चुकी है और जो कोर्स आने वाले हैं, सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिलेगी। जैसे कि आपको यहाँ स्पेशल क्लास दिख रही होगी, ये स्पेशल क्लास फ्री क्लास होती है, तो अभी भी अगर आप जाओगे तो आपको वो क्लास दिखेगी और आप उसे फ्री में देख सकते हो। ऐसे ही वहां पर बहुत सारी पेड लाइव क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर, वो क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखो, मेरा अभी वहां पे जो लाइव कोर्स चल रहा है वो चल रहा है इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन पर, ठीक है, जो कि रात को 10 बजे होता है। ये पेड लाइव क्लास होती है। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको बता दूं। देखो, अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको समझा देता हूं, जो बच्चे नए हैं उन्हें समझा देता हूं। अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर रोज 56 प्लस एजुकेटर्स IIT सेक्शन में लाइव क्लासेस लेते हैं। और ये जो 56 प्लस एजुकेटर्स हैं, ये ऐसे वैसे नहीं है, इंडिया की टॉप फैकल्टीज हैं, जिनमें से कुछ कोटा के हैं, कुछ एजुकेटर्स ऑथर्स हैं, जो किताब आप पढ़ते हैं उसके ऑथर्स, और कुछ पॉपुलर यूट्यूबर्स हैं। तो बहुत ही शानदार कंटेंट वहां पे चल रहा है, रोज आपको वहां पे लाइव क्लासेस मिलती है। और अगर आप लाइव क्लासेस छोड़ देते हो किसी कारणवश, तो आप उसको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो। वो रिकॉर्डेड सेशन आपके लिए पूरा साल भर, हमेशा के लिए, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है, वो आपके बैकअप में बना रहेगा। आप जब चाहो तब क्लास देख सकते हो। जो क्लास लाइव देख चुके हो उसकी भी रिकॉर्डेड सेशन वापस देख सकते हो। कभी भी रिवाइज करना हो, पूरा का पूरा सिलेबस वहां पड़ा है, आप देख सकते हो। वहां पे शीट सॉल्व होती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, क्विज होते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें चल रही है। साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा टेस्ट सीरीज भी है वहां पर, ड्रॉपर्स के लिए अलग है, 12th के लिए अलग है, 11th के लिए अलग है। आपको तो पता भी, जनवरी मेंस का एग्जाम देना है जो कि कंप्यूटर में आपको ऑनलाइन देना पड़ेगा, तो उसकी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता वहां पर, बस आपको एक बार सब्सक्राइब करना है। आपको उसमें लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट सेशन मिलेंगे, क्विज सेशन मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हो इतने कोर्सेज वहां पे चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला, मेरा वहां पे कौन सा कोर्स चल रहा है, इंटीग्रेशन और उसके एप्लीकेशन का। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, मैथ में 25 कोर्सेज चल रहा है, मतलब मेरा एक कोर्स हटा दो तो 24 और कोर्स चल रहा है मैथ्स के, 24 और कोर्स चल रहा है मैथ्स के। ऐसी केमिस्ट्री के 27 और फिजिक्स के 21 कोर्सेज चल रहे हैं। तो इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे लाइव क्लास वहां डेली हो रहे हैं, डेली, ठीक है। और ये बैचेस हैं, बैचेस मतलब आप तो समझते होगे जैसे ऑफलाइन बैच आप जाते होगे वैसे ही कुछ रहता है, लेकिन ये जितनी भी सारी चीजें हैं बहुत ही कम अमाउंट आपको मिलती है, बहुत ही ज्यादा कम अमाउंट में, जो कि है, अगर आप 24 मंथ्स का लोगे, जो कि 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, उसकी फीस सबसे कम है 40,000 2 साल का। कोटा के टीचर्स, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, 40,000 2 साल का PCM, 56 प्लस एजुकेटर्स, रोज लाइव क्लासेस और उनकी बैकअप में आपको रिकॉर्डेड क्लास सब कुछ मिलेगा सिर्फ 40,000 में। और अगर आप ये कोड लगाओगे NK लाइव, याद रखना, आप तो कोड सभी को पता ही है, ये NK लाइव अगर आप कोड लगाओगे, अप्लाई कर दोगे NK लाइव को, जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो आपका फीस हो जाएगा 36,000, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो इस कोड को याद रखिएगा, NK लाइव, तो सिर्फ 36,000 में 2 साल का, सिर्फ 36,000 में 2 साल का आपको मिलेगा, 2 साल का। और यही चीज आप जब बाहर कोटा जाते हो तो लाखों रुपए देते हो सिर्फ 1 साल का। तो आपको घर बैठे बैठे पेरेंट्स के साथ प्रिपरेशन करने का बहुत अच्छा मौका है।
इसी प्रकार कोई 2 साल का नहीं ले पा रहा है, जैसे कोई 12th का ड्रॉपर है तो उसे 1 साल का ही लेना चाहिए। जब वो 1 साल का लेगा तो उसकी फीस है 25,000। और जैसे ये NK लाइव कोड लगाएगा, NK लाइव कोड याद रखो, जैसे ही NK लाइव कोड लगाएगा तो उसमें इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा जो कि हो जाएगा 22,500। ठीक है, तो ये बड़े प्लान आप चाहो तो एक महीने का भी ले सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा महंगा होता है क्योंकि 5,000 अकेला एक महीने का होता है। तो हमेशा आप बड़े प्लान को ऑप्ट करिए ताकि आपको वो चीज़ कम में मिल जाए। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारी आज की क्लास। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये तो डेस्कटॉप में था, अगर कोई मोबाइल से ये सब कर रहा है तो पहले तो इंस्टॉल कर ले ऐप को, प्ले स्टोर में जाके इंस्टॉल कर ले ऐप को, और फिर जैसे ही इंस्टॉल कर ले तो IIT-JEE सेक्शन का गोल यहाँ पे सिलेक्ट करना, IIT-JEE सेक्शन, अपन IIT-JEE के हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करना IIT-JEE। जैसे ही आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे प्रोसीड पेमेंट आएगा, और यहाँ पर भी कोड डाल सकते हो आप NK लाइव। जैसे ही अप्लाई करोगे 40,000 का 36,000 हो जाएगा और आप बेहतरीन दुनिया में एंटर कर चुके होंगे। तो अगर आप एंटर कर रहे हो वहाँ पे तो ज़रूर से मेरी क्लास रात को 10 बजे लाइव रहती है, वहाँ पे ज़रूर से आइएगा। चलिए चालू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि होगी इंटीग्रेशन की। कुछ स्पेशल चीज़ें पढ़नी हमें, ठीक है, 2 स्पेशल फॉर्मूला पढ़ने हैं। अब वो स्पेशल फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ बताया था, मैंने आपसे बोला था कि मैं अगली क्लास में कोई एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे बहुत सारे इंटीग्रेशन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो वो फॉर्मूला है, लिखिए, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e^x(f(x)+f'(x)dx बराबर, इसका आंसर होता है e^x(f(x)+c। ये आंसर होता है, ठीक है। कभी भी आपको इसको प्रूव करना हो कि ये कैसे आया तो आपको उल्टा चलना है। इसका डिफरेंशिएशन याद रखना, ये मिलेगा आपको, इसका डिफरेंशिएशन आपको ये मिलेगा, प्रोडक्ट रूल लगा लेना, e^x को छोड़ोगे fx का डिफरेंशिएशन f'(x)+fx को छोड़ना e^x का हो जाएगा e^x। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वापस सही मिलेगा, आप देख सकते हो, इसको देख सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगाएं, e^x को छोड़ा, fx का डिफरेंशिएशन f'(x) होता है, प्लस fx को छोड़ा, e^x का क्या होता है, e^x होता है, e^x कॉमन लिया तो क्या आ गया f'(x)+fx। तो हमें तो पता है इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होता है, तो अगर इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, ये तो हमें पता है। तो ये फॉर्मूला वेरीफाइड है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन इतना आसान हो जाता है इस फॉर्मूले से कि आपको मैं बता भी नहीं सकता। तो पहले शुरुआत में बहुत ही आसान एक फॉर्मूला उठाता हूँ, बहुत ही आसान एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ। जैसे कि है, मान लो क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e^x sin x plus cos x, ठीक है। मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा आपको कुछ समय दूंगा, अभी तो आसान है, कुछ समय दूंगा आपको, क्या करना होगा ये कब लगाना है मैं आपको बता दूं। आपके क्वेश्चन में e^x होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, e^x, वहां पर एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसका f'(x) वहां पे मौजूद है। आपके क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, e^x होना चाहिए और वहां पर एक फंक्शन होना चाहिए, ब्रैकेट में एक f(x) होना चाहिए और बगल में उसका क्या होना चाहिए, f'(x) होना चाहिए, तब जाके ये फॉर्मूला लग जाता है। समझे मैंने क्या बताया? आप इसको कभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कभी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपसे क्या बताया था कि बहुत सारी चीजें इस फॉर्मूले से आसान होने वाली है जो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि ये फॉर्मूला कब लगाना है, आपको एक e^x दिखना चाहिए क्वेश्चन में, उसके बाद आपको एक f(x) दिखना चाहिए और बगल में क्या दिखना चाहिए, आपको उसका f'(x) दिखना चाहिए। अगर ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं तो आंसर हो जाएगा e^x और f(x), ठीक है। ढंग से देखो, e^x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत आसान है, अभी बहुत आसान है, बहुत आसान है, अभी बहुत कठिन क्वेश्चन भी दूंगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, देखना, ये तो बहुत आसान है। e^x दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे f(x) कौन हुआ, साइन एक्स हुआ। सर ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, अपने पास तो पॉजिटिव साइन एक्स है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ये अगर f(x) है तो ये उसका f'(x) है, समझ लो, ये अगर f(x) है तो ये क्या है, f'(x) है। और मैंने आपसे यहां बताया है e^x(f(x)+f'(x) का आंसर क्या होता है, डायरेक्ट e^x(f(x) होता है, तो अगर ये f(x) है तो ये क्या है, f'(x) है। cos x को अगर आप f(x) मानोगे तो यहां क्या होना चाहिए था, माइनस साइन एक्स होना चाहिए था, ये cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इसीलिए ये f(x) है और ये इसका क्या है, f'(x) है। तो क्वेश्चन में कभी भी e^x हो, f(x) हो और f'(x) हो, इसका डायरेक्ट आंसर,
इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई पावर एक्स एफ एक्स, और यहां पर एफ एक्स कौन है, यहां पर एफ एक्स है साइन एक्स प्लस सी। क्या आपको ये समझ में आया? इसी तरह एक और क्वेश्चन देखो, ई पावर एक्स, ठीक है, ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। चलो आपको मैंने 10 सेकंड दिए, आप सोचो इसमें एफ एक्स कौन होगा, एफ डैश एक्स कौन होगा, ढंग से देखो और सोचो इसमें एफ एक्स कौन होगा और एफ डैश एक्स कौन होगा। ढूंढ लिया सभी ने? देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंस माइनस साइन एक्स, तो ये एफ एक्स है और ये क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो हमें पता है कि अगर हमारा क्वेश्चन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में हो तो हमारा जो आंसर होता है वो होता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स क्या है यहां पर कॉस एक्स प्लस सी, है ना, बहुत आसान, समझ में आएगी नहीं यार? एक और क्वेश्चन बहुत आसान आपके लिए, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, इंटीग्रेशन, ताकि आप समझ जाओ क्वेश्चन को, आप समझ जाओ लॉग एक्स प्लस वन बाई एक्स। पांच सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल पांच सेकंड का, अगर ये ट्रिक बनती है आपसे तो पांच सेकंड का है, वरना सोचो क्या क्या दिमाग लगाना पड़ता, सोचो जल्दी से पहचानो इसमें एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है, जल्दी से पहचानिए इसमें एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है, जल्दी से पहचानिए। पहचान लिया सभी ने? हमें पता है log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो ये एफ एक्स है और ये क्या है एफ डैश एक्स है, और हमें पता है जब भी हमारा क्वेश्चन e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के फॉर्म में होता है तो उसका आंसर क्या जाता है, इसका आंसर आ जाता है e पावर x एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स कौन हुआ यहाँ पर log x हुआ, एफ एक्स कौन हुआ लॉग एक्स। तो अब तो आपको लग रहा होगा भाई साहब क्वेश्चन कितना आसान था, और याद रखना ये क्वेश्चन कितना आसान इसीलिए था क्योंकि अब आपको ये बन गया है, अब आपको लगेगा सर ये कितना आसान पढ़ा रहे हो आप, क्यों, क्योंकि आपको ये ट्रिक समझ में आ गई है, वरना तो अगर मैं आपसे इंटीग्रेशन के लिए बोल दूं इसको नॉर्मल तरीके से तो आप बैठ जाओगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन में इसी तरह एक और क्वेश्चन, ई पावर एक्स एक्स प्लस वन, सोचो इसमें एफ एक्स कौन एफ डैश एक्स कौन, एफ एक्स कौन एफ डैश एक्स कौन, सोचो सोच लिया सभी ने? चलिए इसमें एक्स है एफ एक्स क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी एक्स है एफ एक्स क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है, तो एक्स यहां पर एफ एक्स है और वन यहां पर एफ डैश एक्स है, तो इसका आंसर आ जाएगा ई टू द पावर एफ एक्स प्लस सी, और एफ एक्स क्या है यहां पर ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स प्लस सी, एक्स यहां पर एफ एक्स है और वन इसका एफ डैश एक्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स sec x 1 प्लस टेन एक्स। अब ऐसा नहीं कि हर चीज आपको डायरेक्ट मिलेगी, जैसे अभी तक के जितने क्वेश्चन किए थे सब आपको डायरेक्ट मिला था, यहाँ डायरेक्ट एफ एक्स एफ डैश एक्स मिला था, 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 लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ कि आपको डायरेक्ट मिलेगा, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ट्रिक पता चल गई तो क्या हुआ, दिमाग भी लगाना है थोड़ा सा। चलिए सोचिए, सोच लिया सभी ने?
चलिए देखते हैं किसका सही आया होगा। यहां पर डायरेक्ट तो आपको समझ आ नहीं रहा होगा कि ये एफ एक्स सेक एक्स को अगर आप एफ एक्स मानो तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन 1 + 10x नहीं होता, और अगर 1 + 10x को आप एफ एक्स मानोगे तो 1 + 10x का डिफरेंशिएशन सेक एक्स नहीं होता, 1 का 0 होता है और 10x का सेक स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ तो सेक एक्स है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, मैंने आपको तरीका तो बता दिया है कि फॉर्मूला क्या लगेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आपको सेक एक्स को अंदर इंटू का देना था, सेक एक्स को अंदर इंटू का देना था, तो ये हो जाता है सेक एक्स प्लस सेक एक्स 10x। अब तो आप समझ गए होंगे कि सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स प्लस 10x होता है। तो यहां पर एफ एक्स है सेक एक्स, यहाँ एफ एक्स है सेक एक्स, और एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होता है इसका, ई पावर एक्स एफ एक्स होता है, तो इसका हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स क्या है सेक एक्स प्लस सी। लिख लो, फिर चेंज करता हूँ क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एक्स अपॉन एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, ये भी आसान है, जल्दी सॉल्व करिए इसको। सोचिए एफ एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, क्या करें इसमें, दो अलग फंक्शन होने चाहिए, एक एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यहाँ तो ऐसा है नहीं, यहाँ तो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो दिख ही नहीं रहा हमें, तो बनाना पड़ेगा आपको एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना है देखो, आपको एक ही फंक्शन दिख रहा है ना, उसको अलग करना, अलग करना एफ एक्स और एफ डैश एक्स में, अलग कैसे करोगे, प्लस 1 - 1 कर दें, प्लस 1 - 1 कर दें तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, इसको मैं ऐसा कर देता हूं, एक्स प्लस 1 ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट भी किया अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। अगर हम इसको अलग अलग कर दें, अलग अलग कर दें तो ये क्या हो जाएगा देखना, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर अलग अलग कर दें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। इसे अगर हम काट दें तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। मैंने आपसे बताया था 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x होता है। तो मैंने क्या बताया था, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है, हमें तो ये पता ही है, ठीक है, पता है कि नहीं पता आपको, पता है कि नहीं पता है, देखो 1 अपॉन 1 अपॉन एक्स प्लस 1, आ जा भाई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इसका डिफरेंशिएशन -1/x² होता है, जिसे नहीं पता हो भाई साहब इसे ऊपर ले जाओ, एक्स प्लस 1 पावर माइनस 1, पावर नीचे आएगा एक पावर इसकी कम हो जाएगी माइनस 1, एक्स पावर एन एन एक्स एन माइनस 1, तो हो जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है, इसको ऊपर ले गए एक्स प्लस 1 माइनस 1 हो गया, पावर नीचे आएगी एक पावर कम हो जाएगी, इसको नीचे ले गए -1 अपॉन एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो भाई साहब ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये क्या है एफ डैश एक्स है, और हमको पता है जब भी हमारा क्वेश्चन ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में होता है तो इसका आंसर क्या होता है, ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस सी। लिख लो उसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं।
चलो अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री द होल स्क्वायर डी एक्स। देखो ये क्वेश्चन दिया है, अगर इसमें ये रूल लगना होगा तो ये एफ एक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्वेश्चन रूल से, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे क्वेश्चन रूल से तो आपको ये मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे क्वेश्चन रूल से तो आपको ये मिलेगा, आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें नहीं जाते हम, हमें पता चल गया ये क्या है एफ एक्स है और ये क्या है एफ डैश एक्स है। ये सारे क्वेश्चन कितने आसान हो जा रहे हैं, ये इसका आंसर ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी आ जाएगा, तो हो जाएगा ई पावर एक्स एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस थ्री प्लस सी, लिख लीजिए ऐसे। जो ये मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था इसी के जैसा एक और क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें प्लस वन माइनस वन करना पड़ा था ना, आपको सोचना पड़ा था, चलिए इसी तरह करते क्योंकि उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। इसी की तरह एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, इसी की तरह लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर डी एक्स। चलिए इसे ट्राई करिए अच्छे से, आपको इसमें एक एफ एक्स बनाना है और क्या बनाना है एफ डैश एक्स बनाना है। चलिए आप ट्राई करिए, देखते कर पाते हो कि नहीं। चलिए बना लिया, ट्राई कर लिया, अब मैं बताऊं इसको। देखो कैसे करना है, हमें इसको किसी तरह अलग करना है। अभी देखो ये प्लस वन पहले से, जब पिछले क्वेश्चन में ये सिर्फ एक्स था तो हमने अपने से प्लस वन और माइनस वन किया था कि नहीं किया था। जब ये सिर्फ एक्स था तो हम अपने से प्लस वन और माइनस वन हमने किया था। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक्स नहीं है इस वाले क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वन है। अब यहाँ पे प्लस वन माइनस वन करने का कोई तुक नहीं है यहाँ पर। देखो जब भी आप ऐड सब्रैक करते हो तो एक दो तीन टर्म बन जाते हैं, दो को अलग करके नीचे से काट देते हैं, वैसे ही कुछ हम करना चाहेंगे। अभी यहाँ पे दो टर्म है, इसको वन को कुछ ऐसा लिखें जो अपना काम बन जाए, प्लस वन को कुछ ऐसा लिखें जो काम बन जाए हमारा। क्या लिखें, देखो ई पावर एक्स, इसे मैं एक काम करता हूँ, लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। बताओ प्लस वन को माइनस वन प्लस टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, माइनस वन प्लस टू लिखने से तो ये वन ही रहेगा। अच्छा सर माइनस वन प्लस टू लिखने से क्या फायदा हुआ, अभी बताता हूं। देखो ये एज इट इज आ जाएगा, ये हो जाएगा ई पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक मान लो तो इसे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ये ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ढंग से इसको, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। एक एक्स प्लस वन कैंसिल हुआ तो इसका आंसर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स, ये आ गया एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ये हो गया x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, ही आ गया। अब आप ट्राई कर सकते हैं इसको क्वेश्चन ट्रू लगा के देखिए, आपको वो जरूर मिलेगा। लगा के देखो, जल्दी से लगा के देखो, आपको चीज मिलेगी। मैं लगा के दूं, देखो क्वेश्चन ट्रू कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन ट्रू कैसे लगाएंगे, डिनोमिनेटर को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिख ही रहा है भाई साहब, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे डिनोमिनेटर का स्क्वायर एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर आएगा।
अब जब इसको सॉल्व करोगे, अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास, सोचो क्या आएगा, ढंग से सोचो क्या मिलेगा आपको। डी वाई डी एक्स इसका करोगे, डी वाई डी एक्स इसका करोगे, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वन का जीरो तो क्या बचा, वन बचा, डॉट माइनस एक्स माइनस वन, एक्स का डिफरेंस वन, वन का जीरो क्या बचा, वन बचा, अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स प्लस वन माइनस प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, या जाएगा टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, वन प्लस वन टू अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल हम इसको बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये क्या है, एफ डैश एक्स है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, मीन्स इसका आंसर होगा ई पावर एक्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। आएगी नहीं समझ में, जल्दी से लिखो जल्दी से। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमें दिया गया है। इंटीग्रेशन ई एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये क्वेश्चन हमें दिया गया। अब हमें फिर से e पावर x दिख रहा है और दो फंक्शन का प्लस दिख रहा है, मतलब इसमें एक fx हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, f डैश। बस अपने को पहचानना है और फॉर्मूले में आंसर लिख देना, बस ज्यादा टेंशन तो करनी नहीं है, हमें तो ट्रिक समझ में आ गई है इसका। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, ये बताओ बेस सेम है, पावर एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e पावर x वन अपॉन, ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर थ्री बाय टू, टू द पावर थ्री बाय टू, ये वन है और ये क्या है, वन बाई टू है, तो पावर थ्री बाय टू प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लो, आपको तो यही मिलने वाला है। आप कोशिश करो, कैसे पता सर आपको, किस डिफ्रेंशिएट करके देखो आपको मिल जाएगा, ये आराम से मिल जाएगा। कैसे, क्वेश्चन रूल लगाना है, क्वेश्चन रूल लगाना है, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन, एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, वन होता है, माइनस न्यूमिनेटर को छोड़ना है, डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन वन प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, तो रूट एक्स का होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, तो हो जाएगा वन अपॉन टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर वन प्लस एक्स स्क्वायर का होगा तो वन का जीरो, एक्स स्क्वायर का टू एक्स, टू से टू ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है तो अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर। भाई साहब एलसीएम लेना होगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो इसका एलसीएम आ गया अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब भाई साहब ये यहाँ जाएगा, ये वही चीज़ आ जाएगी जिसको मैंने थ्री बाय टू लिख दिया, वही चीज़ आ जाएगी, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा वन अपॉन, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, तो समझ में आ गया हमें कि ये अब की बार एफ एक्स है और ये क्या है, एफ डैश एक्स है, ये एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो इसका आंसर हो जाएगा ई पावर एक्स एफ एक्स क्या, आपकी बार एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। लिखिए जल्दी से, लिख लिया सभी ने। चलिए तो अभी तक जो हमने सारे क्वेश्चन किए वो थे e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस सी वाले, इसके वाले, एक एफ एक्स था, एक क्या था, एफ डैश एक्स था, ये वाले सारे क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट टाइप में आते हैं, दूसरा टाइप पढ़ना है, दूसरा टाइप चलो दूसरे टाइप में आ जाते हैं, टाइप टू लिखे, टाइप टू हेडिंग डालिए, टाइप टू, इसमें आना है इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, कभी भी आपका क्वेश्चन ऐसा दिया जाए एफ एक्स प्लस एक्स एक्स एफ डैश एक्स, कभी भी क्वेश्चन दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो इसका आंसर हमेशा हो जाएगा एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। आपके पास एक फंक्शन हो, उसका डिफ्रेंसिएशन हो, उसके बगल में क्या हो एक्स हो, तो उसका आंसर हो जाएगा एक्स इंटू फंक्शन। अगर आप इसको प्रूव करना चाहो तो उल्टा इसको डिफ्रेंशिएट करोगे आपको ये चीज मिलेगी, जैसे मैंने उसको प्रूव करके बताया ना वैसे ही, इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जल्दी से इसको याद करिए, तो मैं इसके क्वेश्चन में आ जाता हूं, बहुत ही आसान कर देगा ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को, बहुत ही आसान कर देगा। तो जल्दी से इसको याद करिए जल्दी से। हो गया सभी का? चलो ठीक है, एक आसान सा एग्जांपल बताता हूं उसको समझाने के लिए। कभी भी आपके पास क्वेश्चन दिया जाए टेन एक्स प्लस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना हो, भाई साहब क्वेश्चन देख के ही लगता है भाई साहब कितना कठिन क्वेश्चन है, लेकिन अगर हमें ये वाला फॉर्मूला पता है तब तो ये क्वेश्चन एक सेकेंड का अगर हमें ये वाला फॉर्मूला बनता है तो, वरना ऐसे तो भाई हो गया फिर तो बहुत सोचना पड़ेगा क्या क्या है लगाना ये, लेकिन हमें तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, एक एफ एक्स होना चाहिए, फिर एक एफ डैश एक्स होना चाहिए, उसके बगल में क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए। अच्छा तो क्या ये एफ एक्स है, टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, क्या ये एफ डैश एक्स है और बगल में क्या है एक्स है, तो इसका आंसर क्या होता है एक्स इंटू एफ एक्स होता है, मतलब इसका आंसर एक्स टेन एक्स प्लस सी डायरेक्ट। आया समझ में कि नहीं आया? इसका आंसर हो जाएगा एक्स टेन एक्स प्लस सी, जल्दी से नोट करिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। जो मेरी लास्ट क्लास में थे वो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से जानते होंगे, इस क्वेश्चन को वो अच्छे से जानते होंगे, इसको मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कराया था, अलग अलग करा के इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कराया था, और मैंने बोला था एक पेज में जाएगा, मैंने बताया था एक तरीका होगा, शायद आपको याद हो जो मेरी लास्ट क्लास में थे, मैंने बोला था एक तरीका होगा जिससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, सिर्फ दो लाइन में आंसर निकाल लेंगे, वो तरीका ये है। क्या है देखो, क्या है ये तो आप देख चुके होंगे, एक एफ एक्स उसके बगल में एक्स इंटू एफ डैश एक्स, चलिए ठीक है। आप क्या करो, पिछले की तरह जैसे पिछली बार किया था, इसे हमने अलग अलग किया था जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किया था, वहां पे भी मैंने इसको क्या करा था, अलग अलग कराया था, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको x, उस वाले क्वेश्चन में भी 1 प्लस cos x को क्या लिखा था, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखा था, इसमें भी वही काम कर दो, यहां लिख दो sin x और यहां लिख देंगे 2 sin स्क्वायर सॉरी 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ये लिख लिया। अब आप सोचो कि आपने उस क्वेश्चन में क्या किया था, आप सोचो आपने उस क्वेश्चन में क्या कर दिया था, सोचो इस चीज को, आपको सोचना है आपने उस क्वेश्चन में क्या किया था। आप उसको ऊपर ले गए थे, आपने क्या बनाया था, sec square x by 2 बनाया था कि नहीं बनाया था, आपने क्या बनाया था sin upon cos 10 x by 2, और क्या बनाया था इसमें, हमने क्या लगाया था इंटीग्रेशन में पार्ट लगाया था। अब आप सोचो इसको आप कैसे कर सकते हो ये वाले मेथड से, सोचो जल्दी से सोचो, मैं आपको एक मिनट दे रहा हूं, जल्दी सोचो इस वाले मेथड से आप कैसे कर सकते हो इसे। सोच लिया सभी ने? देखो अब मैं आपको बताता हूं, इसे आप लिख सकते हो x बाई टू
कॉस स्क्वायर ऊपर गया तो आ गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। कॉस एक्स बाई टू से कॉस एक्स बाई टू गया तो ये बचा एक्स वन बाई टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू से टू गया ये क्या बचा टेन एक्स बाई टू। भाई साहब ढंग से क्वेश्चन देखो, ढंग से क्वेश्चन देखो। हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, एफ एक्स और एक्स, एक एफ एक्स होना चाहिए और एक्स के साथ एफ डैश एक्स होना चाहिए। तो आंसर में क्या आएगा, एक्स इंटू एफ एक्स आएगा। ढंग से फॉर्मेट को देखो, पहली बार आप देख रहे हो, ढंग से देखो। एक एफ एक्स होना चाहिए और एक्स के बगल में एफ डैश एक्स होना चाहिए। हमारे पास एफ एक्स है, हमारे पास टेन एक्स बाई टू है जो कि क्या है एफ एक्स है, हमारे पास टेन एक्स बाई टू है जो कि क्या एफ एक्स है। टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, देखो टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन, टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू, एक्स बाई टू का वन बाई टू, टेन एक्स बाई टू का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का वन बाई टू। तो क्या ये एफ एक्स है, बिल्कुल है। क्या ये एक्स एफ डैश एक्स है, देखो एफ डैश एक्स क्या वन बाई टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये एक्स है ना, ये वाला एक्स x f dash x है कि नहीं है, तो इसका आंसर क्या होता है x into fx होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा x into fx, fx मतलब tan x by 2 plus c। कैसा लगा, जल्दी से लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगेगा आपको कि बहुत कठिन है, लेकिन बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। देखो e टू द पावर टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स। चलिए क्वेश्चन बहुत फाड़ू लग रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसान। आपको बस फॉर्मेट क्या देखना है, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स, आपको बस ये फॉर्मूला देखना है और आंसर ये छाप देना है बस। देखो ढंग से, अब एक काम करते हैं, ई पावर टेन इनवर्स एक्स तो दिख ही रहा है, अच्छा नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर है तो क्यों ना अलग अलग करें, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिख दें, वन प्लस एक्स स्क्वायर को अलग लिख दें प्लस एक्स को अलग लिख दें अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कर दें, ऐसा कर लिया जाए तो कोई दिक्कत। अब इसको ऐसा कर लिया जाए, ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स अलग अलग कर दें, इसको अलग अलग कर दें तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कर दें, कोई दिक्कत, ये कैंसिल तो ये हो जाएगा, ये वन बचेगा वन, तो e पावर टेन इनवर्स एक्स वन प्लस एक्स इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर। भाई साहब कितना प्यारा फॉर्मेट बनने जा रहा है, कितना प्यारा, e पावर टेन इनवर्स एक्स का इंटू कर दीजिए तो हो जाएगा e पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू वन e पावर टेन इनवर्स एक्स e पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू वन इज e पावर टेन इनवर्स एक्स प्लस ये उधर जाएगा प्लस एक्स इंटू e पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। जरा गौर से देखो, जरा गौर से देखो ये क्या बन गया, ढंग से देखो। e पावर टेन इनवर्स x का कोई अगर डिफ्रेंसिएशन जानता हो चेन रूल से तो वो समझ गया है e पावर टेन इनवर्स x का, e पावर टेन इनवर्स x होता है कि नहीं होता है, फिर टेन इनवर्स x का क्या होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ढंग से देखो, ये देखो क्या ये एफ एक्स है, क्या यहां पर x f डैश x है, बिल्कुल है, ये एफ एक्स है और ये क्या है एफ डैश x है। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है x इंटू एफ एक्स, तो x इंटू एफ एक्स क्या है e पावर टेन इनवर्स x।
तो शायद आपको ये समझ में आ गए होंगे दो फॉर्मूले कैसे लगाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें, क्योंकि कभी कभी हम इंटीग्रेशन के उस मोड पे पहुंच जाते हैं जब हमारे लिए इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं होता, लेकिन इंटीग्रेशन जब मुश्किल हो जाता है तो ये दो फॉर्मूले हमको आके बचा लेते हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा फॉर्मेट दिखे, कौन से दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला और दूसरा मैंने आपको बताया था ई वाला, ई पावर एक्स वाला, तो ढंग से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा ऐसे ही कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को जाके क्लिक कर देना ताकि हमारे जो वीडियोस हैं आपको लगातार लगातार आपको मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में जो कि होगी मंडे को, हम इंटीग्रेशन को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत ही डीप में आपको पढ़ाना है, बहुत ही आगे बढ़ाएंगे। शायद आपको मज़ा आ रहा होगा इंटीग्रेशन पढ़ के, अब कोई ये नहीं कहेगा कि इंटीग्रेशन बहुत कठिन होता है। जो लोग अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उनको मैं बता दूँ, इस कोड को ध्यान रखिएगा, NK Live, इस कोड को लगाएं 10% डिस्काउंट। बाय, चलिए ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय।